काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते। 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है। नहीं यार, एक रात पहले ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा था, स्किल अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। हाँ, जब बड़ा मैच होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं हम सोचे नहीं, लेकिन प्रेशर रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं माइंड वहाँ पे वर्क करता रहता है। आप चाहें कि हम चिल हो जाए तो वो होता नहीं है, क्योंकि जब तक ख़त्म ना हो जाए टूर्नामेंट, जब तक हम शांत बैठते नहीं है, तो जरूर थोड़ा कहीं ना कहीं रहता है, मानते नहीं प्रेशर, वो बात अलग है। एक मुद्दा बहुत उठाता है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडियन बॉलर्स को जो बॉल अजीब नई तरीके दी जा रही है, तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कहना पाकिस्तानी? ओ भाई, ये नहीं बोल सकते, क्या ही बोले इस बारे में, क्योंकि आपको सबको पता है, हमें पता है। इवन उन लोगों के प्लेयर्स ने भी, जो सीनियर्स हैं, जो लेजेंड हैं, जिनको दुनिया मानती है, उन्होंने भी उनको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। तो इसमें हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोची वैसी है। चलिए भाई, एक सवाल और, क्या आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? क्या रोहित शर्मा की वो कैच या विराट का वो आउट होना, अचानक बैट से बॉल लग के, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? या फिर जो अंपायर्स कॉल एक हुआ था, ट्रेविस हेड और लाबुशानी की जोड़ी वहाँ टूट जाती है अंपायर्स कॉल। देखिए, एक ही चीज थी, क्योंकि रन हमारे पास उतने ज्यादा नहीं थे कि हम, अगर काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते। लेकिन एक चीज़ पे ब्लेम करके मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा रहता है, क्योंकि ओवरऑल टीम को देखा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए यूनिट वर्क करना और एज ए ग्रुप वर्क करना। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शायद थोड़े से रन कम। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे ऐसे मोमेंट में कोई आपका PM जैसे इंसान सामने खड़ा है, वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट। यार ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था, मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे, या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। शामी भाई, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए और विकेट्स भी नहीं ली जा सके, तो क्या शाम का वक्त हो गया था, पिच की कोई बात थी, या ओस का कुछ इफेक्ट रहा बॉलिंग में? देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकंड इनिंग आती है, तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट, तो वो एक फैक्टर हो जाता है, और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीज़न रहा है।